किरोसिन ढाली महिलाको पोडि जीवनरु मारिदेबा उद्यम घटना केन्द्रमन्त्रीको सहायता जोगु नुवा जीवन पाइला पीडिता महिला मोनालिसा। निज स्त्री टिकटक करुथुबा देखि उत्क्षिप्त होइ किरोसिन ढाली जीवनरु मारिदेबा पाइ उद्यम करिथिला पिचास स्वामी। एहिभळि एक घटना गत 8 मास तले चर्चार केन्द्रबिन्दु पालटिथिला। घटना अनुसार मयूरभंज जिला बैसींगा थाना अंतर्गत हिंगुला छेलिया अंचल मोनालिसा दास नीलगिरी ब्लक काठपाड़ा अंचल मोहित महापात्र वैदिक रीति में विवाह करते तेज विवाह किछि दिन परे जौतुक तथा स्वामी मोहित अन्य झिया संपर्क उभय स्वामी स्त्री मतांतर लागि रही। अन्यपटे स्त्री मोनालिसा टिकटक करुवा नहीं स्वामी स्त्री जुक्ति होता हेले गत 8 मास तले स्त्री मोनालिसा टिकटक करुथिबा बेले स्वामी मोहित तांकु किरोसिन ढाली मारिदेबाकु उद्यम करिथे। फळरे मोनालिसा दीर्घ दिन धरी टाटा हॉस्पिटल और परे कटक बड़ डाक्तरखानारे चिकित्साधीन थिले। तमने जौतुक पई झगडा करथिले जौतुक पई झगडा करथिले मु प्रतिवाद कलारो समानकु माने भूक उपसरे मु रहिथिले तीन दिन रहिथिले तापरे समानकु कहली काहे कि झगडा लागछ सांग होय कि समस्त खाइबा आसो देखे समस्त खाइले दात का घसिकी मु शशुर को डाकिल आस बापा खाइब आस बापा कहले हाउ मु जाऊ तुम्हें जाओ देखे मो स्वामी से मद खाई के आसी मुझे टिकटक करथुनी से टिकटक भी सी झगड़ा करथुले मो संगे से मो घर लोक 40,000-50,000 डिमांड करथिले चेन भी ये करथिले मो बापा तो गरीब लोक माने देई परिबे नि चेन एका मो मा मो बापा समस्ते माने खटी की चाहा दुकान करी की सब जिनस पत्र देथिले टिकटक आ जौतुक पई नै मो टिकटक करथिले से मो टिकटक को पसंद कर नथिले काहे की टिकटक करचो आ तो सुंदर चेहरा को नै की किसो ये होचो माने छटकी देखौचो एमति सबले कथा कहिले सेई पई मो पड़ी देले सेठो पड़ी किरासिनी मो सासु मैंने घर को पलि कहली मत घर को छाड़ल कहले तू कड़े जीव जी मैंने मत टाणी आण की मो शाशु घर भितर पुरेदे घर भितर पुरे दे सारापर मुझे कबाट बाड़ी कहीं मत कबाट मारिक रखीच तापर मो स्वामी से मद खाई आसिले मैंने से मैंने मो शाशु शशुर देवर समस्त से मैंने कथाई आपको मारिदे बोलीपर मु साड़ी एका पिंधिक खसरा साड़ी गोटे पिंधिक घर को जी बोली भारती तापर कबाट खोलिकी मो स्वामी किरासिन ढाली दे मो शाशु किरासिन ढाली दे मो स्वामी डीआसिल मारिदे दंड से मिले चाहूँगी आय चाहूँ केमी बची दुनिया को केमती मैंने देखी से चाहिए चिकित्सा अर्थ अभाव हेबारु केन्द्रमंत्री प्रताप चंद्र षडंगी को मोनालिसा माँ साहय नवेदन करते केन्द्रमंत्री आर्थिक सहयोग में मोनालिसा सफल प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा होता प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा पर सुस्थ हो कटक फेरी बेले मोनालिसा पर लोके केन्द्रमंत्री को भेट धन्यवाद देते मो झी को चाहा दुकान करम कर सफा कर मोहित महापात्र किरोसिन ढाली पोड़ी देखिए कहला ग्यास पोड़ी देखिए पक पक भल कले सारे मंत्री आमको सब न्याय दे बाट देखे कटक बड़ मेडिकल से माने भी साहय दे बड़ सारे हेका सब साहय दे आहरी भी साहय मगुच मुमी कौन करी मत ये साहय दि मुझे रही मो झी के कौन रही जौतुक 40,000-50,000 मागी 40,000 देती टीवी फ्रिज गोदरेज गहना पहना सब देती आमको सब सहयोग कले प्लास्टिक सर्जरी सहयोग कले आ दाना भी दे खाइवा फाइवा सब कथा सब बुझी सार दे मंत्री साई हॉस्पिटल जितेबाला पकेले आगो नेले आगो बारीपदा नेले तापर टाटा नहीं गलापर आमको फोन कले राति 12 गोटे बेले कहले तुम झील पोड़ी जाइए केमी पोड़ा पचारा ना रोषे करूला केत दिन 10 पोड़ कि राति 12 गोटे बेले नौ आम तक पछे पछे गले जाकि गला आसिक टाटा हॉस्पिटल गोटे बेड पकई गोटे सालाइन लगी आउ कि नहीं मुझे कहली छुआ कौन है कहला बो पर मुझ कह यही ना तू कह हेते सी निशा टेबलेट रिलेटिव जी निशा टेबलेट धरी गोटे गोटे खुआई दौ सी आखि बुझी दौ जिते कहली ये कौन दौच ना निशा टेबलेट मुझे कहीं ना ता दुख भोग सब चल जंत्रणा हेबनी
ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁନି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସତ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋହିତ ଶାଶୁ ଦିଅର ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିବାର 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ମୋହିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଧୀରେ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀ ମୋହିତ ଗିରଫ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଗୁରୁତର ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଟ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଝିଅଟି ତା ମା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କରିକି ଚାଳିଆଟେ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବଡ଼ସା ଏରିଆରେ, ମାନେ ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ପାଖରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ସେ ବା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ମୂଲ ଲାଗିକି ଏଠି ସେଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିକି ତା ମା କିଛି ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଅଧିକା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିକି ଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଏବଂ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଫେରିଲେ ସେଠୁ। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମାନେ ଜେଲ୍ରେ କଠୋର ସଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖଲାସ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସ୍, ସେ କେମିତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖଲାସ ହେଲା ସେଟା ମୋ ମନରେ ବି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି। ମୁଁ ସେମିତି ତାର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିବ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର, ଘରେ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଚାଳିଆରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସେଠିକା ଲୋକ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ମାନେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କର ଜମି ଡିସମିଲ୍ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ନର ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ କାମ କରିଛି, ତାକୁ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା।